पनीर अफगानी बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले 200 ग्राम पनीर के टुकड़े कर लिए हैं और टुकड़े मैंने थोड़े से बड़े किए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक। तो नमक इस समय हम थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी हमने सब्जी में भी जो है नमक ऐड करना है। और साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ हमने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और जो मैरिनेट किया हुआ पनीर था तो उसे इसमें डाल देंगे, अच्छे से अरेंज कर देंगे और इसे जो है हम दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक ये पनीर हमारे फ्राई होते हैं तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जो है आप सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आप देख रहे हैं पनीर हमारे कितने अच्छे से जो है फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी पैन में हम जो हमारा ऑयल बचा हुआ था फ्राई किया हुआ उसी में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने एक इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 4 काली मिर्च लिए हैं। इसे डाल दिया, इसे अच्छे से सौते कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे अदरक बारीक कटी हुई और साथ में डालेंगे इसमें थोड़ा सा लहसुन और साथ में डालेंगे हरी मिर्च और इसे जो है हम थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर देंगे और साथ में डालेंगे धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमने मिक्स करके अच्छे से पकाना है और यहाँ मैंने इसे सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है और इसे जो है धीमी आंच पे हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक सब्जियों को हम जो है पका लेंगे। तो बहुत जल्दी हो जाता है, ये सिर्फ 5 मिनट लगता है और ये हमने पका भी लिया और ये ठंडा हो गया। अब इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, इस त्यौहार आप ज़रूर इसे बनाइएगा। और अब मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच जो है दही ऐड कर दी है और इसका एक फाइन पेस्ट जो है हम रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका पेस्ट बनकर रेडी हुआ है। अब उसी पैन में हम जो है थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और इसमें वापस से हम थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, एक मोटी इलायची और साथ में मैंने इसमें लिया है 1 तेज़पत्ता और 1 से 2 लौंग और 1 से 2 काली मिर्च और इसे जो है हम अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि इसकी बढ़िया खुशबू आ जाए। और जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो पेस्ट भी इसमें हम डाल देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है पेस्ट है। और अब इसमें हमने डाला नमक, हल्दी, थोड़ी सी इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा। थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है और इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। तो जो भी मसाले हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करिएगा। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा। तो जिसमें मैंने ये पीसा था पेस्ट उसी में मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब पानी था वो भी डाल दिया और ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हम पनीर के टुकड़े और ये देखिए इसे 1 से 2 मिनट तक हम ढक के पका लेंगे ताकि जो पनीर है वो सारा मसाला जो है और उसका फ्लेवर एब्जॉर्ब कर सके। तो देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा ये पनीर अफगानी और इसको धनिया से गार्निश कीजिए और इसे गर्मा गर्म आप नान, तंदूरी रोटी, परांठे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही अमेजिंग लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ इस राखी फेस्टिवल में।